मेरा फिल्म का सस्पेंस है, जो टाइटल है ये खुद एक सस्पेंस है। तो कैसे रहना है कि 18 का 11 कुछ हो सकता है, किस तरह की कहानी है? हाँ, यही तो मैं ऑडियंस को कहना चाहता हूँ कि आप आइए और देखिए कि 18 का कैसे है, जैसे कोई कुछ है 26 अगला है, क्या क्या है, कोई इंसिडेंट है या क्या है। ये जो मेरा फिल्म का जो टाइटल है 18 का 18.11, ये खुद एक सस्पेंस है। जब तक आप फिल्म देखेंगे तब आपको अपने आप पता हो जाएंगे वो ये पूरा सस्पेंस है। लास्ट में आपको रिवील हो जाएंगे जो 18.11 यानी 18 का 11 क्या है। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, आप देखिए तो ये 18 का कोई घटना का है या कोई दूसरा है, तो ये आप देखिए फिल्म देखिए फिर आपको पता हो जाएगा। फिर मैंने फिर से बोला है जो आप सोच रहे हैं वो कुछ नहीं है, लेकिन ये एक पूरा सस्पेंस है 18.11, आप देखने से आपको पता हो जाएगा। रियाल खान पहले वो असम में असमिस फीचर फिल्म किया था, वो भी मेरा फिल्म था जुमन सुमन, उसमें लीड करेक्टर में था। और जो फिल्म मुझे असम में असम स्पोर्ट्स एंड कल्चरल अफेयर्स जो फेस्टिवल हुआ था 2004 में, मुझे बेस्ट फिल्म अवार्ड मुझे मिला है रीजनल फिल्म की, और उसमें रेहाल खान ने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए मैंने रेहाल खान को ये 18.11 में लीड करेक्टर या हीरो का रोल मैंने दिया। और 18.11 में भी रेहाल खान बहुत अच्छा काम किया, जो मैंने सोचा था उसे कहीं ज़्यादा रेहाल खान ने ये फिल्म में काम किया। लेकिन इस तरह की फिल्म को प्रोड्यूस करना या मार्केटिंग करना कितना डिफिकल्ट होता है, प्रोड्यूसर या डायरेक्टर क्या समझते हैं, क्या मार्केट है इस तरह की फिल्म का? देखिए ये मार्केट एक इंटरनेशनल मार्केट है, ये फिल्म का जो मैसेज है वो मैसेज एक इंटरनेशनल मैसेज है, क्योंकि आप जो टेररिज्म जो प्रॉब्लम है, ये टेररिज्म सिर्फ इंडिया का या हम लोग के देश की नहीं, ये सारा दुनिया के एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है टेररिज्म। तो टेररिज्म ख़त्म करने के लिए ये अमेरिका हो या कोई भी कंट्री हो, वो अपने अपने सिटीजन को प्रोटेक्ट देने के लिए बहुत सी कोशिश किया है, लेकिन अभी तक सक्सेस नहीं हुआ। आप भी देख रहे हैं हर जगह में किस तरह बम ब्लास्ट हो रहा है, टेररिज्म की शिकार हो रहा है, अटैक हो रहा है, या इंडिया बोलिए या पाकिस्तान बोलिए या कहीं भी जाइए, अब टेररिज्म के एक्टिविटीज़ चलते रहे हैं। टेररिज्म जब भी चलते हैं, जब भी चाहते हैं तभी कुछ ना कुछ कर सकते हैं, लेकिन इसलिए हमने ये जो फिल्म बनाए, ये फिल्म में ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करने के लिए कैसे हम टेररिज्म से बात सकते हैं, ये एक मैसेज हम इंटरनेशनल लेवल में हम देना चाहते हैं, दुनिया को हम देना चाहते हैं कि हम टेररिज्म हम ख़त्म कर सकते हैं, टेररिज्म से हम बात सकते हैं। ये एक तरीका है, इसमें एक मैसेज है, जो मैसेज हम ये 18.11 में हम देने की कोशिश कर रहे हैं। सर हिंदी फिल्म है ये, लेकिन आप कह रहे हैं रेहाल खान असामी फिल्म से संबंधित रखते हैं, तो इस फिल्म में कोई हिंदी फिल्म जगत से नाम के लिया? हाँ, इसमें गुलशन गुड़बार है जो इंटरनेशनल डॉन का कैरेक्टर किया है, कैप्टन रैक के उसका कैरेक्टर का नाम है कैप्टन रैक। अभी तक तो आपको सुना होगा बात देखा होगा कि प्रेम चोपड़ा जी ने अभी तक जितना भी काम किया वो विलेन कैरेक्टर किया था नेगेटिव रोल में, लेकिन मेरा फिल्म में वो होम मिनिस्टर का कैरेक्टर कर रहा है जो पॉजिटिव रोल है। और दूसरा मुकेश तिवारी भी वो एक पुलिस ऑफिसर है, एक खलनायक पुलिस ऑफिसर है जो नेगेटिव कैरेक्टर है। और असरानी आप जानते हैं बॉलीवुड का एक अच्छा कॉमेडियन है, और हमारा फिल्म में भी असरानी भी काम कर रहे हैं। ऐसे और कुछ सारे आर्टिस्ट हैं जो बॉलीवुड की है, गुलशन ग्रोवर, प्रेम चोपड़ा, असरानी सब वेटरन कलाकार हैं इंडस्ट्री के, तो उनको कन्विंस करना कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? नहीं, जब नहीं बहुत इजी था, मैंने तो बहुत पहले सोचा था। और जब मैंने बॉलीवुड का बहुत ही मेरा जो पहला फिल्म था, बहुत ने मुझे बुला है कि इतना बड़ा, क्योंकि गुलशन गुरबार, प्रेम चोपड़ा, ये लोग सिर्फ बॉलीवुड नहीं, ये हॉलीवुड की भी आर्टिस्ट है,
तो ये लोग को आपका फिल्म, आप पहले डायरेक्टर रहे और राइटर रहे, पहले आपका फिल्म है, ये लोग काम नहीं करेंगे नया लोग को, ये नहीं। मैं कहा ठीक है, हम मिलते हैं पहले, मैं अपना जो कॉन्सेप्ट है, मेरा फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है, जो मैंने वो लोग को नरेशन जब किया था तब वो लोग साथ साथ एग्री किया है। और वो लोग बोले कि इतना अच्छा सोच, इतना अच्छा आपने मैसेज देना चाहते हैं अगेंस्ट टेररिज्म, ये इंटरनेशनल अभी जो प्रॉब्लम है, जैसे जैसे कैंसर बीमारी जो होता है, तो उसी तरह टेररिज्म एक कैंसर बीमारी की तरह है, ये नेशनल नहीं है, ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। और इतना बड़ा आपने कॉन्सेप्ट लिया है, जब उन लोगों ने, मैंने वो लोग साथ साथ एग्री किया, मुझे बहुत अच्छा लगा है। कि बाहर में तो बहुत डर था, बाद में तो बहुत ने मुझे डरा भी दिया था कि आप नया डायरेक्टर हो, आप नया राइटर हो, नया फिल्म हो, तो आपका साथ इतना बड़ा कलर काम नहीं करेंगे। हाँ जा, क्रिस थ्री में जो समीर अली खान जो काम किया था, समीर अली खान हमारा फिल्म में है, वो भी कॉन्सेप्ट में आया, वो अफगानिस्तान का रहने वाला है, तो जब वो कॉन्सेप्ट जब उसने सुना तो वो साथ साथ एग्री किया और मेरा ऑफर वो एक्सेप्ट करके हमारे फिल्म में भी काम किया। म्यूजिक देखिए, ये मिस मसाला है, इसमें आपका रोमांटिक सॉन्ग भी है, आइटम सॉन्ग भी है, एक कवाली भी है और एक इंस्पिरेशन सॉन्ग भी है, सब तरफ पांच गाना है। और पांच गाना ऑडियंस जिस तरफ जो चाहेंगे वो हमारा फिल्म में उसको उसी का लाइन में गाना मिलता है। उसको जान निशा लोन, उसके पहले भी एक हिंदी फिल्म था तो सिद्रा, वो सेकंड फिल्म मेरा, ये मेरा काम किया है। बॉलीवुड के डायरेक्टर की बात करें तो आप डेब्यू करने वाले हो, तो कितना मुश्किल होता है शुरुआत के टाइम पर फिल्म बनाना, या फिर कितनी मतलब मेहनत करनी पड़ेगी आपको? हम मेहनत तो भाई होंगे, क्योंकि ये बॉलीवुड के लिए तो मेरा पहला फिल्म है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है, फिल्म लाइन का एक्सपीरियंस है, जो मैंने आसाम में असम स्पेशल फिल्म बनाया, तो उसका भी जो फंक्शन है उसका भी जैसे रूटीन है, जैसे आप चाय बनाइए तो आप चाय कहीं भी बनाइए, गुवाहाटी में बनाइए, उसका जो प्रोसेस होता है, आप मुंबई में बनाइए या आप लंदन में बनाइए, लेकिन चाय बनाने का प्रोसेस तो एक ही है, तो फिल्म बनाना प्रोसेस तो एक ही है। यहाँ टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, यह टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया है, और कुछ एडवांटेज भी है, जो मुझे जो मैंने पहला फिल्म बनाया उससे कहीं मुझे अच्छा लगा, जो मैंने बॉलीवुड का फिल्म जो 18.11 मैंने बनाया। बोलिए ना, रोलिंग नहीं सर, सर मेरा नाम रिहान खान है, मैं आसाम। जी सर, फिल्म की बात करें जी, इसमें आप लीड रोल में हैं। जी सर, किस तरह की फिल्म है सर? ये थ्रिल एक्शन है, सस्पेंस मूवी है, 18.11 कोड ऑफ सीक्रेसी। तो सर जो कोड ऑफ सीक्रेसी है वो आपको बता रहे हैं कि एक सस्पेंस थ्रिल है, जैसे कि होर्डिंग सी दिख रहा है, क्या है सब? मोबाइल है, काफ़ी गन है और काफ़ी अलग क्रिस वाला स्टाइल है। जी सर, क्रिस वाला स्टाइल है, कुत्ते स्टाइल है सर, आपने बनाया। एक्चुअली क्या है, जो मोबाइल है इसमें सॉफ्टवेयर अपलोड होता है और दूसरे में गन है, क्योंकि जो हीरो है वो चाहता नहीं कि गन से वो टेररिस्ट को पकड़े, वो चाहे कि मोबाइल के जरिए, और जो हीरो होता है वो एक सॉफ्टवेयर बनाता है जिससे आप अगर किसी भी इलाके में रहते हो, कोई लोकेलिटी में, अगर वहाँ पर कोई बॉम्ब या एक्सप्लोसिव रख देता है तो मोबाइल में इंडिकेट आएगा। तो ये मोबाइल लेकिन इसलिए चल रहा है कि शायद मोबाइल में वो इंडिकेट हो, इंडिकेट से वो बम को मतलब डिटेक्ट करे। डिजिट पे है फिल्म का नाम। जी सर, 18.11। जी सर, तो 26/11 ऐसा कहीं ना कहीं टेररिज्म से जुड़ा हुआ है एक बार अगर बात करें। अच्छा, जुड़ा हुआ है सर, इसीलिए हम लोगों ने वो टाइटल रखा ताकि उनका जो एडवांटेज हमको मिल जाए अपने पिक्चर को, ताकि लोग देखने आए, उनके साथ कंपेयर करें, क्योंकि अपनी सर पहली पिक्चर है, उतना बड़ी बजट की पिक्चर है नहीं कि उस लेवल पे हम लोग जाकर पब्लिसिटी करें। बजट की बात करें, इसमें कौन कौन है कास्टिंग में? सर कास्टिंग में है गुलशन ग्रोवर सर है,
प्रेम चोपड़ा, मुकेश तिवारी, आसरानी, बस यही सब है मार्केट के लोग। आपका किरदार क्या है पूरी फिल्म में, पूरी स्टोरी अगर एक लाइन में बात करें? जी सर, फिल्म में जो रिहाल खान है वो मेन लीड है और मेरा रियल नेम भी रिहाल खान है। और रिहाल खान होता है कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, वो यूएस में पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद एक सॉफ्टवेयर बनाता है वो, जिसके एक्सपेरिमेंट वो इंडिया में करना चाहता है, वो अपने देश को मतलब आगे बढ़ाना चाहता है, अपने कंट्री को वो सर्विस देना चाहता है, तो इसीलिए वो इंडिया चला आता है। कहीं ना कहीं ये स्टोरी एक रियल स्टोरी से जुड़ी हुई है, जैसा कि मोहरा में केस हुआ था, जी सर, एक मुस्लिम लड़का था जो ऐसे मास्टरमाइंड था वो अमेरिका में, वो कहीं ना कहीं स्टोरी से जुड़ी हुई है, आप क्या कहना चाहेंगे? सर वो तो मुझे आपसे मैं सुन रहा हूँ, वो पता नहीं, शायद मेरे डायरेक्टर को लगा या डायरेक्टर से पूछना पड़ेगा कि वो स्टोरी कहाँ से लेकर है। कहीं ना कहीं रियलिटी से जुड़ी हुई है फिर, क्योंकि मुस्लिम लड़का ही है जो बीच में नाम आया था कि वो कंप्यूटर इंजीनियर है, जी सर, क्राइम ब्रांच वालों ने अरेस्ट भी किया था, नहीं सर ऐसा कुछ नहीं, मेरा फिल्म का स्टोरी एकदम अलग है सर, और ये सब ये शायद वो कुछ इत्तेफाक हुआ कि उनके साथ जाके स्टोरी मतलब जुड़ी है मेरे पिक्चर की, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं, मेरे फिल्म में फुल एंटरटेनमेंट है, उसके साथ फिल्म में थ्रिल एक्शन है, तो शायद ऑडियंस को पसंद आएगी, क्योंकि पूरा एक फुल पैकेज लेके आ रहे हैं हम लोग पिक्चर में, जैसे फिल्म में आइटम सॉन्ग भी है, कव्वाली भी है, और ये अपना एक इंस्पिरेशन सॉन्ग है, एक रोमांटिक सॉन्ग भी है, एक क्लब सॉन्ग भी है, तो फुल पैकेज पिक्चर है सर ये। पोस्टर भी खाली आप ही दिखाई दे रहे हैं। जी सर। खास एक्सपीरियंस में? सर एक्चुअली क्या है, इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट को ध्यान दिया है, कॉन्सेप्ट में इसलिए आपको दिखा है कि एक हाथ में मोबाइल दूसरे हाथ में गन है, तो गन को साइड में रखा मोबाइल में देख रहा है, इसलिए देख रहा है कि मुझे मोबाइल से कुछ करना है, गन से कुछ नहीं करना, गन को साइड में रखा है, तो सर एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोग का जो डायरेक्टर है, जो मेरा डिजाइनर है, उन्होंने ऐसे शूट किया था। जी सर। क्या किरदार में है सर? गुलशन ग्रोवर जो है वो रहता है इंटरनेशनल डॉन का कैरेक्टर में, जो बहुत पावरफुल इंसान है, इंडिया में, इंडिया के बाहर भी उनके बड़े बड़े लिंक्स होते हैं, और प्रेम चोपड़ा साहब जो है वो एक होम मिनिस्टर का कैरेक्टर किया, और मेरा फिल्म जो है आसाम बेस्ड स्टोरी है, तो उनको एक आसाम का एसामिस मिनिस्टर का कैरेक्टर दिया गया है, और मुकेश तिवारी एक कॉप का कैरेक्टर कर रहे हैं, कुलदीप सिंह जो बहुत करप्ट अफसर है, और आसरानी सर एक हवालदार का कैरेक्टर है, जो फिल्म में एक साथ जुड़े हुए सब लोग। जी सर, उसके बारे में क्या कहा पे दिखाया गया, इसमें क्या क्या दिखाया गया पूरा? सर एक्चुअली दूसरे पिक्चर में क्या होता है, टेररिज्म हम दिखाते हैं, सोल्यूशन नहीं दिखाते उसमें, कि एक बंदा आया उसको कैसे टेररिज्म बना गया, और मेरे पिक्चर में सर वही एक स्टोरी अलग है कि टेररिज्म को हम लोग दिखाया, लेकिन उसको कैसे सोल्यूशन कर सकते हैं, उसको कैसे खत्म कर सकते हैं हम लोग, मेरे पिक्चर में वही दिखाया गया। सर म्यूजिक बहुत ज़बरदस्त है, जानी सर लोन ने किया म्यूजिक, तनवीर गाजी और साहिल फतेहपुरी ने लिरिक्स लिखा, बहुत ज़बरदस्त गाने सर, आप ऊपर सुनेंगे तो फिर सुनते रह जाएंगे। आप आसाम से बिलोंग करते हैं? जी सर, मैं आसाम गुवाहाटी से। आसाम भी काफ़ी टूरिज्म के मामले बात करें, काफ़ी नक्सलाइट एरिया है। हाँ, लेकिन सर अभी ख़त्म हो चुका है वहाँ पे, ऐसा कुछ है नहीं। कहीं ना कहीं सर वहाँ पे, हाँ सर एक्चुअली क्या कुछ चीज़ें होती है जो शायद मेरे डायरेक्टर को लगी, आसाम में कैसे कैसे लोग टेररिज्म से मुकाबला करते हुए आगे आ चुके हैं, शायद इस पिक्चर में ऐसा कुछ है, मुझे लगा कि सर उसका कुछ टच दिया उन्होंने, कि जैसे टेररिस्ट लोग अभी कुछ गाँव में चले जाते हैं वहाँ पर रहने के लिए, तो वहाँ पे जो गांव के लोग होते हैं उनको कुछ पता नहीं, उनके बंदूक के नोक पे रख के उनसे घर में जो खाना बना खाना बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, तो वहाँ पे पुलिस भी नहीं कुछ कर सकती, तो बाद में जाकर उस बंदूक को पकड़ा जाता है, लेकिन उसका कुछ दोष होता नहीं, क्योंकि वो गन के नोक पे होता है वो बंदा। आपके बारे में बॉलीवुड में कितनी फिल्में दे चुके हैं आप, या फर्स्ट आपकी डेब्यू कर रहे हैं? जी सर, इससे पहले मैं आसाम में फिल्म कर चुका, एसएमएस फीचर फिल्म जुमन सुमन, उसमें एज ए मैं लीड किया था, और ये मेरी हिंदी पहली पिक्चर है। आसाम में मैंने म्यूजिक वीडियोज़ की एंकरिंग किया था वहाँ के लोकल चैनल के लिए एसएमएस। क्या उम्मीद है फिल्म से आपको? सर उम्मीद तो बहुत सबको होती है, मुझे भी है सर, मैं चाहूँगा कि सिर्फ ऑडियंस आए मेरे पिक्चर देखने के लिए, ये ना सोचे कि इसमें बड़ा मतलब स्टारकास्ट नहीं है तो नहीं आए, मैं चाहूँगा सिर्फ पिक्चर आके देखे, फिल्म का कंटेंट उनको बहुत पसंद आएगी। फिल्म की बात करें तो काफ़ी बड़े बड़े स्टार्स हैं, तो उनसे क्या सीखने को मिला आपको? सर उन्होंने बहुत हेल्प किया मुझे, तो सबसे पहले मैं डर गया उनके सामने जाते हुए, क्योंकि जिनको मैं बचपन से देखते हुए आ रहा हूँ टीवी पे, मतलब थिएटर्स पे, फिल्मों में, उनके सामने जब अचानक आ गया तो मैं बहुत डर गया, तो फिर गुलशन सर से मैंने रिक्वेस्ट किया, सर तो आप मुझे कुछ हेल्प कीजिए, हेल्प करना कुछ नहीं, आप मुझे नॉर्मली एक्टर समझो, जैसे मैं भी एक्टर हूँ आप भी वैसे एक्टर हो, फर्क इतना है कि मैंने बहुत सालों से काम किया, आप नए एक्टर हो, तो अब वो मत सोचो। और दूसरा एक सीक्वेंस में था कि मुझे मुकेश तिवारी का जाके कॉलर पकड़ना था उनका, तो वो शॉट देने के बाद मैं उसको माफ़ी मांगा, सर डोंट माइंड कि मैंने आपका गला पकड़ मतलब अपना गिरेवन पकड़ लिया, तो उन्होंने बोला नहीं एक्टर आप एक्टिंग पे करो, एक्टिंग में कॉन्सेंट्रेट करो, आप ऐसा मत समझो कि मैं बड़ा एक्टर हूँ, काम सबका सेम ही होता है, बस लोग जिसको पसंद करते हैं वो ऊपर चले जाते हैं। मतलब के साथ केमिस्ट्री कैसी रही आपकी? कंप्लीट
सर बहुत बढ़िया रहा, वो तो मेरा दोस्त ही है पहले से ही, हम लोग एक साथ बहुत सारे काम किया, मतलब मार्शल आर्ट किया हम लोगों ने, जिम भी एक साथ करते हैं, तो उसे मार्शल आर्ट के वजह से मतलब बहुत कुछ टेक्निक मिला सीखने को उससे। सर मैं तो चाहता हूँ यही हो और शायद होना भी चाहिए ये सर, क्योंकि सब सब एक्टर का एक ही ख्वाब होता है कि उसे पहले पिक्चर से उसे एक अच्छा नाम मिले, एक इंडस्ट्री में एंट्री मिले, अच्छी इंट्रोडक्शन मिले। थैंक्स एंड कांग्रेट्स फॉर द फ्यूचर। थैंक यू। मार्केटिंग जी नहीं, फिल्म के बारे में पूछिए, सब बोल रहे थे कैसा लगा फिल्म ये वो। जी शकील हाशमी, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर हूँ मैं, फिल्म मार्केटिंग प्लानिंग पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सारा सब कुछ मेरा ही प्लान किया हुआ है। फिल्म का बजट तो एक जो लमसम एक बजट होता है 3 से 4 करोड़ का, ये 4 करोड़ की बजट की फिल्म है, जो प्रोडक्शन वैल्यू अच्छा दिखाया गया है क्योंकि स्टार कास्ट भी इसमें अच्छी दी गई है जो सपोर्टिंग है, जैसे गुलशन ग्रोवर है, असरानी है, प्रेम चोपड़ा है, मुकेश तिवारी है, तो उस हिसाब से पैकेजिंग अच्छी की गई है और फिल्म का कॉन्सेप्ट अच्छा है, फिल्म बहुत अच्छी तरीके से शूट की गई, एक्शन प्लान अच्छा है इसका, तो फुल मसाला है, म्यूजिक वगैरह बहुत अच्छा दिया गया है फिल्म में, तो काफ़ी अच्छा मसाला प्लान है। बॉडी को देख के लगता है इफेक्ट वगैरह काफी यूज़ जी, देखिए क्या है ना, ये मल्टीप्लेक्स और सिंगल थिएटर दोनों का ही मसाला है, जो दोनों ही ऑडियंस के लिए बनाया गया है 50-50, जिसके लिए दिया जा रहा है। देखिए सफलता तो ऊपर वाले के और जनता के हाथों में होती है, हमारा काम है कोशिश करना, पुश करना, इसको 700,000 थिएटर के आसपास में इसको पुश कर रहे हैं, जहां पर लगा देंगे जो ऑडियंस है वो इसको पुश कर लेंगे। लेकिन कह रहा आपका माइंड है कि स्टोरी का टाइटल जी आज डिफरेंट जमाना चल रहा है, लोग चेंजेस चाहते हैं, लोग जिस तरह से नया टेक्निक आ रहा है फिल्म डिवीजन में कि फॉर्मेट चेंज हो रहा है, वैसे डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मेट चेंज है, वैसे आजकल टाइटल भी चेंज हो रहे हैं, लोग डिफरेंट चीज़ पहले ही इंडिकेट करते हैं, तो 1811 लोग डिफरेंट चीज है तो वो ज्यादा पिक करेंगे। देखिए वैसे तो चीजें कहीं ना कहीं मैच हो ही जाती हैं, आप कलर्स के हिसाब से ले लो, कोई ऑरेंज तो रेड में मैच होता ही है या ब्लू तो ब्लैक में मैच होता है, तो उस हिसाब से फिल्म का स्टोरी कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर किसी ना किसी चीज़ों से मैच होता है। अब अगर आप मिलाएंगे तो उसको कहीं ना कहीं से टेररिज्म के ऊपर और एक्शन के ऊपर फिल्म में कहीं ना कहीं मैच होती है, उससे मैं उसको अलग नहीं बोलता हूँ, लेकिन ये टोटल फिक्शन है। आखिरी सवाल, इस तरह की फिल्म को मार्केटिंग करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना कितना मुश्किल होता है? देखिए मुश्किल तो कुछ नहीं होता है और बहुत कुछ होता है, मुश्किल की बात यही है कि इसको बहुत इसका बजट एक लिमिटेड बजट होता है कि 1 से 1.5-2 करोड़ का बजट होता है जो हमें 20 करोड़ के बजट में इंडिकेट करना पड़ता है, तो इसको बहुत ही स्मार्टली प्लान करना पड़ता है कि हम कैसे चैनल पे इसको पुश करना है, कैसे इसको इंटरनेट मीडिया प्लान, इसको पोस्टर पब्लिसिटी, और जो 6 महीने में एक बार फिल्म देखता है वो हमारी फिल्म नहीं देखेगा, टारगेट हमारा वो नहीं है, हमारा रेगुलर सिनेमा जो सिनेमा प्रेमी हैं, जो रेगुलर सिनेमा जाते हैं, जिन्हें फिल्म देखना एडिक्शन है, वो हमारी फिल्म देखेगा, तो हम पहले पुश उनको करते हैं। थैंक यू कांग्रेट्स। थैंक यू।